सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल इंडेक्सेस को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होता हुआ देखने के बाद अगर हम निफ्टी 50 की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम एक क्रूशियल लेवल को आज रिक्लेम होता हुआ देख पा रहे हैं, यानी कि निफ्टी ने आज 12,000 के लेवल्स को रिक्लेम कर लिया है और हम इसके फ्यूचर लेवल्स में भी यहाँ पे एक अपसाइड को देख सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हमें इंडियन रुपी में एक साइड वे ट्रेंड देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल हमें मार्केट में एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल सकती है। इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले अगर हम इंडियन एडीआर की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें अभी भी इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, वेदांता और विप्रो के एडीआर में एक जबरदस्त रैली देखने को मिल जा रहा है। इसे देखते हुए कल आप इन सब स्टॉक्स में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और ये निफ्टी का डायरेक्शन भी तय करता है। आज हमें स्टॉक में लगभग 1-2% का एक रैली देखने को मिल जाता है और हम इसके 50 डेज के ईएमए लाइन को भी काफी नीचे देख पा रहे हैं। इसके मेजर ईएमए लेवल्स पे अभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल जाता है और हम इसके क्रूशियल इंडिकेटर्स जैसे कि वोर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। इस वजह से कल आपको इसमें फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है। इसका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज है और अभी भी हम इस स्टॉक में एक बाइंग प्रेशर को इसके ऑर्डर बुक पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको इस स्टॉक में लगभग 53% का एक सिग्निफिकेंट डिलीवरेबल वॉल्यूम भी देखने को मिल जाता है और हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स है यहाँ पे भी बाय साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं। इस वजह से कल आप इस स्टॉक को बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है ये इसमें भी आज हमें एक जबरदस्त रैली देखने को मिल जाता है और इसने अपने 50 डेज के ईएमए लाइन के काफी ऊपर आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे हमें अभी एक स्ट्रॉन्ग 3 आउटसाइड अप यानी कि बुलिश रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखा दे रहा है और हम इसका जो वोर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर है यहाँ पे भी एक बुलिश क्रॉसओवर को देख पा रहे हैं। इस वजह से कल आपको इस स्टॉक में फिर से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसका नाम एशियन पेंट्स है और ये भी अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। ये करंटली अपने 52 वीक्स हाई लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसके ऑर्डर बुक में एक सिग्निफिकेंट बाइंग क्वांटिटी देखने को मिल जा रहा है। अगर हम इसका जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है उसे चेकआउट करते हैं तो ये भी काफी शानदार है, यानी कि आज इसमें 50% से ज्यादा डिलीवरी उठाया गया है और अभी भी हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉन्ट्रैक्ट को बाय साइड में देख सकते हैं। इस वजह से कल आप इस स्टॉक को भी बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टॉक है इसमें हमें पिछले 10 दिनों में लगभग 40-50% तक एक रैली देखने को मिल जाता है जो कि कल भी हमें जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। ये अपने मेजर ईएमए लेवल्स और बीवाप लेवल्स पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इसके वोर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर के जरिए देख पा रहे हैं। इस वजह से कल भी आपको इस स्टॉक में एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक का नाम जिंदल स्टील एंड पावर है और हम इसके ऑर्डर बुक में भी करंटली लगभग 10,000 स्टॉक्स को बाय साइड में देख पा रहे हैं। इसके जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स है यहाँ पे भी आपको बाय साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप कल इस स्टॉक को बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो फोर्थ और आखिरी स्टॉक है इस स्टॉक में आज हमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। इसके जो Q2 रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हमें स्टॉक में लगभग 8-10% तक एक डिक्लाइन देखने को मिल जा रहा है। अभी भी हम इसके जो 50 डेज के ईएमए लाइन है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को देख पा रहे हैं और इसके वोर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में भी हमें एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है।
इस वजह से कल आपको इस स्टॉक में एक फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसका नाम पंजाब नेशनल बैंक है और अभी भी हम इसके ऑर्डर बुक में 15,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स को सेलर साइड में देख सकते हैं। इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स है यहाँ पे अभी भी हमें बायर साइड के मुकाबले काफी ज्यादा सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप कल इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चाइना और यूएस के बीच चल रहे इनिशियल फेज ट्रेड डील में हमें आज एक तब्दीली होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही कंट्रीज ने पिछले कुछ टाइम से किए गए टैरिफ हाइक को वापस लेने का ऐलान किया है ताकि ये ट्रेड टॉक आगे और बढ़ सके और हमें मार्केट में और भी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सके। इसे देखते हुए यूएस मार्केट में हमें आज एक जबरदस्त रैली देखने को मिल जाता है और ये अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसका असर हमें एशियन मार्केट्स में भी अगले कुछ ही दिनों तक देखने को मिल सकता है। अगला जो न्यूज है वो हमें इंडिगो और कतार एयरवेज की ओर से देखने को मिल जाता है, यानी कि कतार एयरवेज के जो सीईओ हैं वो इंडिगो में कुछ स्टेक बाय कर सकते हैं, लेकिन वो एयर इंडिया में कोई भी स्टेक बाय करने से मना कर रहे हैं। इसका ये मतलब है अगर वो इंडिगो में एक स्टेक लेते हैं तो हमें इंडिगो के शेयर में नियर टर्म में एक पोजिशनल ट्रेड का मौका देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक हमें हाई लेवल्स की ओर मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हमें HDFC बैंक की ओर से देखने को मिल जाता है। इस बैंक ने आज अपने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि जो इंटरेस्ट बेस्ड लोन है उसमें 10 बेसिस पॉइंट की एक कटौती की हुई है, जिसका सीधा असर आपको एज ए लेंडर फायदा मिल सकता है। यानी कि अगर आप इस बैंक से एक लोन लेते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है उसमें थोड़ी सी राहत देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर आज हमें इस बैंक के स्टॉक में देखने को मिल जाता है और इस स्टॉक ने आज एक अपसाइड के साथ अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन इस स्टॉक का जो करंट वैल्यूएशन है वो काफी हायर होने की वजह से हमें इसमें और ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल इंडेक्सेस में एक जबरदस्त रैली को देखने के बाद अगर हम निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं और ये अपने सभी क्रूशियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हम इसके RSI लेवल में भी अभी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को देख सकते हैं, तो कल ये हमें अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स की ओर मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके बाद अगर हम इसका वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप करेंटली इसके जो पुट साइड है यहाँ पे यानी कि 12,000 के लेवल्स पे लगभग 8.98 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें 12,36,750 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम कल के लिए 12,000 के स्ट्राइक को ही एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह देख सकते हैं। अगर मार्केट में थोड़ी कमजोरी हमें देखने को मिलती है तो निफ्टी हमें 11,900 के लेवल्स की ओर मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस लेवल पे हम 8.78 लाख से भी ज्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को नया ऐड होता हुआ देख सकते हैं और इस लेवल पे हमें 14,65,650 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम उस सिनेरियो में 11,900 के स्ट्राइक को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह देख सकते हैं। अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम 12,000 के स्ट्राइक पे अभी इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में लगभग 8.7 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं और इस लेवल पे हमें 13,97,550 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखने को मिल जाता है, तो कल के लिए 12,000 का लेवल्स भी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह हमें दिखाई दे सकता है, यानी कि मार्केट में हमें एक कमजोरी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे पहले निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स की ओर मूव होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम हाई लेवल्स जैसे कि 12,050 से लेके 12,150 तक या फिर हम बोले तो 12,200 के लेवल तक हमें एक सिग्निफिकेंट कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम 12,100 के स्ट्राइक तक लगभग 8.77 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें 5.62 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स नया ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम अगर मार्केट में एक हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलता है तो हम 12,100 के स्ट्राइक को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह देख सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें आज एक मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिल जा रहा है, लेकिन ये अभी भी अपने क्रूशियल ईएमए लाइंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके आरएसए लेवल में हमें आज एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है, जिसमें कल आपको इसमें थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप 30,500 के स्ट्राइक पे लगभग 1.44 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट को नया ऐड होता हुआ देख पाएंगे। इस लेवल पे हमें 2.16 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम कल के लिए इस लेवल को एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह देख सकते हैं। इन केस निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब नहीं होता तो हमें ये 30,000 के लेवल्स की ओर मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम इस लेवल पे 1.49 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं और इस लेवल पे हमें लगभग 2.89 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम 30,000 के स्ट्राइक को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह देख सकते हैं। कॉल साइड में हमें यहाँ पे 31,000 के लेवल्स पे अभी भी 2.05 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ने ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस लेवल पे हम 3.10 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख पा रहे हैं। इस वजह से अगर हमें मार्केट में अपसाइड देखने को मिलता है तो 31,000 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह हमारे सामने उभरता हुआ दिखाई दे सकता है, तो हम इसी लेवल को एक क्रूशियल लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए और चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता चल सके और उन्हें इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने में काफी ज्यादा आसानी हो सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।